लगातार महंगाई के बोझ से घबरा आम इंसान अब स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर के महंगाई की मार चल रहा है। लगातार प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से जो स्कूलों की फीस बढ़ाई जा रही है उसको लेकर के तमाम स्कूलों के बाहर आज अभिभावक इकट्ठा है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हुसैन जी नई दिल्ली स्थित बीपीएस पब्लिक स्कूल के बाहर आप तमाम अभिभावकों को देखेंगे, तख्तियों के सामने पहुंचे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। लगातार साथी जो है वो बढ़ोतरी यहाँ पर की जा रही है, अभिभावक हमारे साथ है जो यहाँ पर मौजूद है। कितनी मेरा सभी अपने साथियों से अनुरोध है कि पहले इसको लेकर के आगे की दो पंक्तियों को छोड़कर परसों दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी ने ये दावा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस 2015-16 के बाद नहीं बढ़ाई गई है। ये बिल्कुल ही झूठा दावा है, ये गलत क्लेम है, क्योंकि 15-16 के बाद मैं डीपीएस मथुरा रोड में मेरे बच्चे पढ़ते हैं और 15-16 के बाद अभी 22-23 तक हमारी 80% फीस बढ़ चुकी है। जो पहले 6,000 थी आज की तारीख में वो 13,000 रुपये फीस है। तो ये दावा एकदम गलत है और हम दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी से मिलने 3-4 बार काफ़ी लोग इकट्ठे होके गए, वो हमसे कभी नहीं मिले। हम लेटर उनको रिसीव कराते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। हम लोग वही फीस दे रहे हैं जो दिल्ली सरकार क्लेम कर रही है कि 15-16 के बाद नहीं बढ़ी है। उसके बाद भी बच्चों को एग्जाम देने से रोका गया, बच्चों के नाम काटे गए, टर्मिनेशन लेटर दिए गए, उनको रिजल्ट नहीं दिया गया, प्रमोशन नहीं दिया गया और फाइनली ये सेटलमेंट हुआ कि अब पेरेंट्स एक हलफनामा देंगे कि जो स्कूल फीस मांगेगा उतनी दी जाएगी। तो दिल्ली सरकार ने पेरेंट्स को, सभी अभिभावकों को पूरी तरह से प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी की फीस देने के रास्ते में छोड़ा हुआ है और उनकी दया पे आश्रित हैं हम। तो दिल्ली सरकार कम से कम ये दावा ना करे कि 15-16 के बाद फीस नहीं बढ़ी है। 15-16 के बाद हर साल करीब 15% फीस बढ़ रही है और हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं और हम ये डॉक्यूमेंट्स प्रेस को भी देना चाहते हैं कि लोग साथ आएं और बताएं कि दिल्ली सरकार एकदम गलत दावा कर रही है। उनका एजुकेशन मॉडल सरकारी स्कूलों के लिए हो सकता है लेकिन प्राइवेट स्कूलों के लिए उनका मॉडल एकदम खत्म है। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे बाल भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। फ्राइडे को हम लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था और शाम को, मतलब कि हमारा प्रोटेस्ट यही था कि जब दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि आप रिपोर्ट कार्ड्स दे दीजिए विदाउट कोई एक्शन लिए कि आप सबको रिपोर्ट कार्ड देंगे और सबको स्कूल आने देंगे, पहले ही दिन बच्चों को जिनकी रिपोर्ट कार्ड या जिनकी फ़ीस पेमेंट नहीं हुई थी, एनुअल फीस पेमेंट नहीं हुई थी, उनको रोक लिया गया, उनको आर्ट रूम में रखा गया। जब किसी पेरेंट्स को जब बच्चे बाहर आए तो उन्होंने बताया कि साहब हमें वहाँ पे अंदर बैठने नहीं दिया, मैडम ने हमें अलग बैठा के रखा। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आ चुका है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो फिर ये स्कूल क्यों नहीं आने दे रहे? इसी के बीच हमने प्रोटेस्ट भी किया था और फिर शाम को हमसे ये क्या कहते हैं प्रिंसिपल साहब मिलने आए तो उन्होंने कहा था अपना लेटर दीजिए, अभी तक उस विषय में और आगे कुछ भी नहीं। बच्चों को प्रताड़ित किया गया? जी बिल्कुल किया गया था। दिल्ली अभिभावक संघ की अध्यक्ष भी हैं अर्पिता गौतम। अर्पिता, लगातार फीस बढ़ रही है, हाईकोर्ट के भी ऑर्डर है, किस रूप में फीस जो है स्कूल बढ़ा रहे हैं? देखिए, स्कूल पूरी तरीके से मैं बोलूँगी मनमाने रूप से बढ़ा रहे हैं। आप किसी एक हेड में नहीं बात कर सकते, डिफरेंट हेड्स हैं और मैं बोलूँगी नए नए हेड्स को ऐड किया जा रहा है कि जस्ट कि पेरेंट्स से किसी तरीके से पैसा वसूला जाए। आज यहाँ पर हमारा मुद्दा है, मेजर है कि जो अभी इनका स्टेटमेंट आया है मनीष सिसोदिया जी का कि 2015 के बाद से फीस नहीं बढ़ी। सर, हम आप ही के डिपार्टमेंट के प्रूफ दिखा सकते हैं, जब पेरेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद आप लोग ऑर्डर निकालने पर, अगर शिक्षा विभाग पे इतना दबाव बनाया जाता है कि उनको ऑर्डर इंक्वायरी करके ऑर्डर निकालना पड़ता है। आप ये देखिए 16/8/2021 का ऑर्डर मैं दिखा रही हूँ, ये डीपीएस द्वारका का है आपको ऑर्डर की कॉपी। इस पूरे ऑर्डर में शिक्षा विभाग एक तरफ कर रहा है, वॉयलेशन कर रहा है। आज भी वो पेरेंट परेशान है, उनके बच्चों के रिजल्ट नहीं दिए जा रहे, ये खानापूर्ति क्यों की जा रही है? आप एक एक साल तक पेरेंट्स को परेशान करते हो और अंत में जाके जब आप मीडिया में ये बोलते हो ना, आज हमारा वो दुख है जब आप हर किसी को बोलते 2015-16 में फीस नहीं बढ़ी। एक चीज मैं और ऐड करूंगी, कोविड के दौरान जहां लोगों की जॉब चली गई थी, देखिए मिडिल क्लास पढ़ाता है अपने प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की जॉब जा चुकी थी या उनको आधी सैलरी मिली थी, उस कोविड पीरियड के दौरान भी फीस नहीं देने पर, मैं फीस में सिर्फ ट्यूशन फीस की बात नहीं करूंगी, उस टाइम भी स्कूलों ने एनुअल चार्जेस धड़ल्ले से मांगे, डेवलपमेंट चार्जेस मांगे उन्होंने और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी। ये 2 साल सुप्त अवस्था में रहे। DCPCR जब पेरेंट्स को हम भेजते हैं, कोविड के दौरान पेरेंट्स को पिलर टू पोस्ट भागना पड़ रहा था, बट हमारे मनीष सिसोदिया जी जो नाम के शिक्षा मंत्री हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं और शिक्षा विभाग को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रखा है गलत काम करने के लिए। मैं आपको प्रूफ के साथ और दिखाना चाहती हूँ, मेरे पास एक और फीस स्ट्रक्चर है, ये सेंट थॉमस स्कूल का है। सेंट थॉमस स्कूल का आप स्ट्रक्चर देखेंगे
15-16 में अगर आप एक पेरेंट 24,590 रुपए पे करता था साल, या आपके क्वार्टर की फीस, वो क्वार्टर की फीस 40,000 पहुंच गई। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, कहीं बाहर से आए हैं, 7 साल से खुद को शिक्षा मंत्री का दावा कर रहे हैं ना। तो सर जब आप दिल्ली के गिनती भर मुट्ठी भर स्कूलों को संभाल नहीं सकते तो हमारा अनुरोध है आप बेहतर रहेगा इस्तीफा दे दीजिए, बेहतर है किसी और को अपॉइंट करवा दीजिए।